हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए कितने प्यारे फ्लावर लग रहे हैं, गोरी चोरी का प्लांट है। और दोस्तों आई थिंक इसमें सीड भी बनने लगे हैं। देखिए ये सीड है, मुझे तो नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है कि ये क्या है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और इधर भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी फ्लावरिंग हुई थी लेकिन पूरा का पूरा ही यहाँ से ही ये पूरी की पूरी टहनी बंदर ने तोड़ दी है। बहुत अच्छे से फ्लावर आए हुए थे उसमें। तो दोस्तों आज मैं कुछ प्लांट्स की कटिंग लगाऊंगी। वो क्यों लगाऊंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं नर्सरी अक्सर जाती रहती हूँ। नर्सरी वाले भैया मुझे हमेशा लो प्राइस में प्लांट्स लेती हूँ, तो लो प्राइस लगा देते हैं, बहुत ही सस्ते में दे देते हैं। कभी कभी एक दो प्लांट दोस्तों वो फ्री में दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि जब वो मेरे लिए इतना लो प्राइस का प्लांट देते हैं, तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी तो उन्हें कुछ प्लांट मैं अपनी तरफ से दे दूँगी। और ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी सी है मेरी ये छोटी सी, देखिए बॉटल है इसमें लगाया। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ग्रो होती हुई लटकती हुई। और दोस्तों किसी जिसको नहीं पता, देखिए तो इसमें मैं दिखा रही हूँ जूम करके, देखिए इसमें पत्ती से भी प्लांट ग्रो हो रही हैं, ये देखिए। तो जिसे नहीं पता है, अगर किसी को ये इसकी कटिंग नहीं मिलती है तो आप लोग पत्ती से भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। और इधर बाकी सब अच्छा चल रहा है, यहाँ थोड़ा सा बंदर ने मेरा पालक ख़राब कर दिया है। और दोस्तों चलिए अब चलते हैं कटिंग लगाने की तरफ को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मैं अक्सर नर्सरी जाती रहती हूँ, तो मुझे वहाँ पर पता है कि कौन से प्लांट उस नर्सरी में है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं काटती हूँ चेन प्लांट का बेबी प्लांट। तो दोस्तों ये प्लांट मदर प्लांट है और इसी में से मैंने कटिंग बेबी प्लांट ले लेकर मैंने प्लांट बनाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला बेबी कितना बड़ा हो चुका है, तो मैं इसी को ही आज कट कर रही हूँ। ये देखिए मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ और देखिए कितना बड़ा बेबी प्लांट है ये देखिए दोस्तों। और एक और कट कर रही हूँ क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे इसमें से देखिए कितनी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इनको मैं कट कर दूँ, क्योंकि इसमें से तो निकलते रहते हैं बहुत सारे। तो आज मैं इसी को कट करती हूँ, कट कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। और दोस्तों इधर दिखा देती हूँ थुन बरगिया में, देखिए कितना प्यारा सा इसमें फ्लावरिंग हुई है, ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है इसका फ्लावर। देखिए अंदर से येलो है, बड़ा सुंदर कलर है दोस्तों। तो इसमें विंटर में फ्लावरिंग होती है और इसमें देखिए इस तरह से ये बड भी बनती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इधर भी देखिए एक ये वाला है, ये बेबी है, ये बिल्कुल धूप की वजह से रेड हो गया है, तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ दोस्तों। देखिए कट कर लेती हूँ और फिर बस इसके अलावा दोस्तों मैं वापस आ गई हूँ इस पर। देखिए तो इसकी भी मैं कुछ ब्रांच ले लेती हूँ, थोड़ी लंबी सी ब्रांच लूँगी ताकि मुझे ये फैला कर लगानी है। वो भी मैं दिखाऊंगी मैं किस में लगाऊंगी और कैसे लगाऊंगी। ये ले ली है कुछ दोस्तों, एक दो ब्रांच मैं इसमें से ले लेती हूँ, थोड़ा पीछे से लेती हूँ, तीन हो गई और एक और चार, ये हो गई दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको मैं इस मटकी में लगा रही हूँ, मटकी में ये करवा चौथ की नहीं, सॉरी ये होई अष्टमी होती है हमारे यहाँ पर करवा चौथ के चार दिन बाद, तो ये उसी की निकली हुई है। तो मैंने सोचा इसका मैं गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इस तरीके से इसमें लगा देती हूँ दोस्तों। चेन प्लांट के लिए कोई भी स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसी भी मिट्टी में आप इसे लगा देंगे बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है। तो देखिए इस तरीके से मैं लगा रही हूँ और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा ये, और इसका फिर मैं आपको बाद में अपडेट भी दूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और प्यारा भी लग रहा है देखिए दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए सोन पापड़ी का डब्बा है ये, तो इसमें मैं डाल रही हूँ मिट्टी और इसमें लगाऊंगी मैं टेंगल हर्ट, और क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेगी और छोटे छोटे से पॉट में ये बहुत ही आराम से ग्रो करेगी। और इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इसको बस ऐसे करके ऐसे ऐसे रख दूँगी दोस्तों। ये इस तरह से भी लग जाती है और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया ये पत्ते से भी ग्रो हो जाती है, एक पत्ता आप डाल दीजिए इसका तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएगी दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने तो जो मैं देखती हूँ अपने प्लांट को ग्रो करते टाइम अपना एक्सपीरियंस, वो ही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, वरना मैं झूठ तो मैं बोलती नहीं हूँ कि मैंने इस तरीके से ये करा। मेरे काफ़ी सारे प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे ही प्लांट ग्रो होते हैं, तो कुछ प्लांट मेरे ख़राब भी हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये लगा दिया दोस्तों,
देखिए, तो मेरी ये कटिंग आराम से इसमें ग्रो करेगी। ये देखिए दो प्लांट हो गए हैं। अब ये है जो मैंने आपको दिखाया था, दिखाती हूँ मैं दोबारा। ये देखिए डिस्टिल वाटर की जो कैन है, इसमें मैंने ये देखिए ये पाम रखा है, ये पत्ती जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये है नीचे का हिस्सा और इसी के ही ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा है। ये देखिए ढक्कन भी है इसमें, नीचे मैंने होल बना दिए हैं, पत्थर रख दिया है और इसमें लगाऊंगी मैं ये दो प्लांट। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है और इसको देखिए इसमें रूट्स भी होती हैं, ये देखिए निकल रही हैं धीरे धीरे, तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो करेंगे। मैं इसको ऐसे करके रख देती हूँ और ऐसे ही ये वाला प्लांट है देखिए, इसमें भी देखिए रूट्स आ रही हैं, तो इसको भी मैं ऐसे लगा दूँगी दोस्तों, तो बहुत ही आराम से ये ग्रो करेगा। इसको कैसी भी मिट्टी दे दें आप, देखिए बहुत ही आराम से ये ग्रो करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही ये ग्रो होगा मैं आप लोगों को इसकी अपडेट भी दूंगी, क्योंकि वैसे तो मेरे पास ये बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब मैं ज़्यादा प्लांट का करूँगी क्या। और हाँ, अगर किसी को चाहिए तो वो प्लीज़ मेरे घर आकर ले ले, क्योंकि मैं कोरियर नहीं कर पाती हूँ। और कोरियर ना कर पाने का कारण क्या है दोस्तों, वो भी बता दूंगी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिए ये बोतल है, ये है देखिए जीरे की बोतल, जो आजकल बड़ा ही पीने में है लोग बाग यूज़ करते हैं, तो इसकी बोतल है। इसको मैंने यहाँ से पीछे से देखिए कट कर लिया है, नीचे इसमें होल कर लिया, इसमें लगाऊंगी ये प्लांट। देखिए कितना खूबसूरत है और काफ़ी घना हो गया है, तो चलिए इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट इसकी स्टेम होती है और देखिए इसमें यहाँ पर देखिए रूट्स आ रखी हैं, देखिए तो बहुत ही ईजिली ये ग्रो करेगा दोस्तों। तो मिट्टी भर लेती हूँ मैं, तो देखिए दोस्तों इसमें मैंने मिट्टी भर ली है और इसको कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरीके से इसको ऐसे करके इसमें लगा देंगे। देखिए मिट्टी में दबा दिया और आपका प्लांट लग गया दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं इन प्लांटों को गिफ्ट करूँगी और देखूंगी, क्योंकि काफ़ी सारी कटिंग तो मैंने लगा दी है। देखिए वाइट वेलवेट है, ये है इसकी कटिंग भी मैंने लगा रखी है दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ प्लांट हैं जिनको मैं लगाकर मैंने ग्रो कर लिया है, और जब जाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी नर्सरी में कि मैंने कौन कौन से प्लांट नर्सरी वाले भैया को दिए हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप गार्डनिंग।